दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों मेरे से हाजिर हो गए बहुत सारे वर्किंग इंटरव्यू, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स लेके। तो फर्स्ट वैकेंसी दोस्तों ओपल, जो दोस्तों एक ONGC ग्रुप का कंपनी है और एक पेट्रोकेमिकल है। ये दोस्तों दहेज लोकेशन में गुजरात में है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग फील्ड में वैकेंसी, मार्केटिंग के लिए, M&M के लिए, IT के लिए और दोस्तों हमें SD के लिए। तो बात कर लेते हैं मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में मैं प्रेस करता हूँ, पूरा अच्छी तरीके से बताऊँगा आपको। तो दोस्तों मार्केटिंग के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री और या आपके पास 2 ईयर का फुल टाइम MBA होना चाहिए और इक्विवेलेंट PG विद स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग SCM विद हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन सेल्स मार्केटिंग। कैंडिडेट विद फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, यहाँ बता दिया गया आपको। और रिलेटिव एक्सपीरियंस आपका पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर का यहाँ पे चलेगा, वो प्रेफरेंस उससे ज़्यादा दिया जाएगा। अदर फील्ड का तो भी चलेगा लेकिन प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों सीनियर एग्जीक्यूटिव 3 ईयर एक्सपीरियंस पैकेज बता दिया गया है। एज लिमिट 32, अहमदाबाद लोकेशन के लिए। अप्लाई ऑप्शन सामने ही दिख रहा होगा आपको। ऐसे सीनियर एग्जीक्यूटिव 3 ईयर एक्सपीरियंस लेकिन ये इंदौर लोकेशन के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। यहाँ पर इस तरीके से मुंबई लोकेशन के लिए है, हैं दमन, सिलवासा, वापी, दिल्ली, वडोदरा लोकेशन के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। यहाँ पर सारा का सारा जो वैकेंसीज हैं वो 3 ईयर एक्सपीरियंस पैकेज बता दिया गया, एज लिमिट बता दिया गया और सामने आपका जो है दोस्तों अप्लाई ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। आप देख रहे हो यहाँ पर अप्लाई ऑप्शन, सबका अप्लाई ऑप्शन दिया गया है, तो ईजिली आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड वैकेंसी की बात करें M&M मतलब मटेरियल मैनेजमेंट, तो यहाँ पर जो दोस्तों बैचलर डिग्री मांगा गया है, इक्विवेलेंट 2 ईयर में MBA भी चलेगा और इक्विवेलेंट PG विद स्पेशलाइजेशन SCM MM ऑपरेशन विद हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क केमिकल्स गेट अ लिस्ट। यहाँ पर जैसे रिलेटिव आपको बता दिया गया है, फर्स्ट क्लास होना चाहिए फाइनली। और यहाँ पर दोस्तों DGM के लिए वैकेंसी है, मिनिमम 18 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पैकेज बता दिया गया है दहेज लोकेशन के लिए, यहाँ पर अप्लाई ऑप्शन सामने दिया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। इसके नेक्स्ट वैकेंसी थे IT, जहाँ पर बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब MCA विद हैंड ऑन एक्सपीरियंस IT सिक्योरिटी। यहाँ पर रिलेटिव आपको बता दिया गया सारा कुछ। आप कैंडिडेट को फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए और आपका जो एक्सपीरियंस है पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को प्रेफरेंस यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो लोकेशन अप्लाई ऑप्शन सामने ही है। नेक्स्ट वैकेंसी तरफ चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट वैकेंसी सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट के लिए है, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ, जो बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन मेंबर इन ACS FCS फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडिया विद हैंड एक्सपीरियंस जो आपका SD से रहना यानी कंपनी इन इंडिया। सीनियर मैनेजर के लिए वैकेंसी है वडोदरा लोकेशन, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो इजीली। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आने के लिए बहुत ईजी तरीका है। देखो या तो आपको ऊपर एक लिंक दिख रही होगी, यहाँ आ जाइए, या आप इसकी ओपल की ऑफिशियल वेबसाइट पाइए पहले, या आप गूगल पर डालिए ओपल, ओपल जैसे डालोगे तो आपको नीचे जाना है और यहाँ पर जाओगे तो आपको एक ओपल का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, उसे प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर करियर ऑप्शन मिलेगा, उसे प्रेस करना है। साइड में आप देख रहे हो कॉर्नर पर, आपको मैं एक सर्कल करके दिखा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको एक दिखेगा करंट ओपनिंग, तो वो करंट ओपनिंग को प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे जहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अब 13 वैकेंसीज हैं, तो पूरा ये थी का मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पर इजीली आ जाओ। चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ तो ECIL में वैकेंसी है। पहले मैं बता दूँ आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, जो दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर के लिए हैदराबाद लोकेशन के लिए 8 पोजीशन है, अहमदाबाद के लिए 1 पोजीशन है। 30 जैसा एज मांगा गया, 2021 के हिसाब से काउंट होगा, पेमेंट आपको बता दिया गया है। क्वालिफिकेशन में टेक्निकल ऑफिसर के लिए फर्स्ट क्लास डिग्री इंजीनियरिंग फुल टाइम इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 60% होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटिव जो भी बता दे वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव।
टेक्निकल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी टू, वो कैटेगरी वन था। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि फाइनली आपका 60% वो सब कुछ है यहाँ पे, 1 ईयर एक्सपीरियंस जो भी सारा सारा कुछ आप बता दिया। अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, 60% होना चाहिए। सेलेक्शन का तरीका क्या है यहाँ पे? तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद शॉर्ट लिस्ट होगा, मेरिट रेशियो ऑफ 1:5, ठीक है, BBTech, 1 ईयर क्वालिफिकेशन रिलेटिव एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। फिर आपका एक इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद परफॉर्मेंस देखी जाएगी आपकी, एक्सपीरियंस सब कुछ होगा इंटरव्यू की, उसके बेस पे आपको सिलेक्शन होना है। फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सारी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है। तो आप पूरा बता दिएगा कि भाई किसके लिए कितना छूट मिलेगा एज का, अप्लाई कैसे कर रहे हो। तो अप्लाई करने के लिए www.ecil.co.in के मेन पेज में जाना है, उसके करियर ऑप्शन में जाना है, ई रिक्रूटमेंट में जाना है, और वहाँ पे आप दोस्तों 26/11/2021 शाम को 4 बजे तक अप्लाई कर सकते हो, 19/11/2021 से, ठीक है। तो यहाँ पूरा आपको बता दिया इम्पोर्टेंट डेट जो इसका स्टार्टिंग है, 19/11/2021 2 बजे से 26/11/2021 शाम को 4 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल कंडीशन यहाँ पर समझा दी गई आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, डॉक्यूमेंट क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई यहाँ पे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। फाइनली दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी सेल बोकारो स्टील प्लांट के लिए। यहाँ पर सारी की सारी जो वैकेंसी हैं वो स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए वैकेंसीज हैं फाइनली। तो यहाँ पर पूरा आपको बता दिया गया है कि भाई जैसे कि यहाँ पर सीनियर लेवल के लिए इंग्लिश, हिंदी, इस तरीके से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, कॉमर्स, इस तरीके से अब आपको पूरा बता दिया गया है। और सेकेंड लेवल के लिए बता दिया गया है। रिजर्वेशन क्या क्या यहाँ पे वो बता दिया आपको, जो भाई रिजर्वेशन के हिसाब से अनरिजर्व के लिए 9 वैकेंसी, ESW के लिए 5, OBC के लिए 5, SC के लिए 6, ST के लिए 13, 2 पोस्ट रिजर्व जो PWD के लिए। यहाँ पर दोस्तों पूरा आपको बता दिया गया है क्राइटेरिया क्या है। रिटायर्ड टीचर हैं, टीचर हैविंग एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस, डेट ऑफ इंटरव्यू, एज लिमिट आपका नहीं होना चाहिए 65 से, ये ध्यान रखें। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम आपका ग्रेजुएशन विद BEd है होना चाहिए, जो अच्छे इंस्टीट्यूट अच्छे कॉलेज होना चाहिए, और बाकी का ब्रांचेज आपका रिलेटिव जो जो है वो होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। दोस्तों मिनिमम आपका 50% होना चाहिए यहाँ पर, पूरा आपको जो भी है ना वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई। यहाँ पर कौन यहाँ पर नहीं है, जो क्राइटेरिया नहीं आता वो भी चीज़ आप बताई गई। सिलेक्शन का तरीका क्या है, तो सिलेक्शन का तरीका है जो इंटरव्यू होगा उस पर, इंटरव्यू कब होने वाला है, तो इंटरव्यू 1/12/2021 को होने वाला है और झारखंड में होगा, बोकारो स्टील सिटी में। पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है उधर, अगर आपको जाना है तो रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे दिया गया है। वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन लेके जाना है, आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये एप्लीकेशन अगर आपको जाना ही है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन फॉर्म है ना, ले सकते हो। और ये पूरा एप्लीकेशन आपको अच्छे से भर के साथ में लेके जाना है। बहुत कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आपका नाम है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें डिटेल्स इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों NHPC लिमिटेड। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी पहले बता दूँ मैं आपको, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीन सिस्टमेटिक, और यहाँ पर मोटर व्हीकल, प्लम्बर है, बिल्डिंग और कारपेंटर के लिए वैकेंसी। ड्यूरेशन वही नहीं है, दिए देखो मैक्सिमम जितना भी अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकलती है मैक्सिमम, कभी कभी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा 100%, लेकिन 1 ईयर ड्यूरेशन ही रहती है। यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो चीज़ बताएगी कि भाई 10th under 10+2 इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी चलेगा। IIT एग्जामिनेशन जो अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। यहाँ पर मिनिमम एज 14, जो 1/1/2022 के हिसाब से काउंट होगा। यहाँ पर पूरा बता दिया आपका एक्सपीरियंस 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। आप पढ़ना हमको नहीं भर सकते। वेतन यहाँ पर 10,605 रुपये मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, सारे सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर बता के आपको सामने, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे तरीके से। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने रहेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों यहाँ पे पूरा कंडीशंस बताई गई हैं,
अदर्स कंडीशंस हैं जो आपको, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हाँ आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। सिलेक्शन का तरीका क्या है तो वो बता देगा आपका, जो एक इंटरव्यू होगा और उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे आप, आपका सिलेक्शन होगा, पूरा यहाँ पर बताया गया है। एप्लीकेशन कैसे भरना है तो यहाँ पे क्या, सीनियर मैनेजर एचआर और पूरा एड्रेस जो भी है ना वो एड्रेस पे आपको भेजना है, पिन कोड भी दिया गया है, जो दोस्तों 25/11/2021 से पहले पहले आपको भेज देना है, या पोस्ट से भेज दो या कुरियर से भेज सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी पोस्ट ही आपको भेजना है, ठीक है तो आपको भेज सकते हो। लेकिन जो है वो टाइमिंग डेटिंग डेट जो दी गई है उसके हिसाब से पहुँच जाना चाहिए, पूरा यहाँ पर बताया गया। फॉर्म जो है ना, ये फॉर्म है मतलब फाइनली मैं बात करूँ तो ये ऑफलाइन है, NHPC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ तो NHPC में ही वैकेंसीज है और भी, जहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो डिग्री 4 ईयर, डिप्लोमा 3 ईयर के लिए वैकेंसीज हैं, यहाँ पर पूरा बता देगा आपको। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, IT, कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर क्राइटेरिया जो है, डिग्री डिप्लोमा आपका होना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। यहाँ पूरा बता दिया गया भाई कि आपका डिग्री इतने टाइम ड्यूरेशन में हो जाना चाहिए और वरना आप है ना यहाँ पर क्राइटेरिया में नहीं आते। यहाँ वेतन बता दिया गया आपको 9,000 रुपये जो ग्रेजुएशन के लिए, 8,000 रुपये डिप्लोमा टेक्नीशियन वालों के लिए है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट में सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो बता दिया गया आपको। आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य कंडीशन में कि आपको MHRD पर रजिस्ट्रेशन है तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे, वरना इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते। सिलेक्शन का तरीका वही है कि आपका इंटरव्यू होगा, उस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। सबमिट करने का देखो यहाँ पर पूरा आपका 25/11/2021 से पहले पहले वही एड्रेस यहाँ पर दिया गया, उसी एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म सबमिट करना रहेगा। फॉर्म के साथ साथ डॉक्यूमेंट, ये सारा फॉर्म है, ये फॉर्म आपको पूरा भेजना रहेगा। तो दोस्तों चलते नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा।